इसके ऊपर तो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने अंडा को नहीं पटा पाया। गाइस आप सोच रहे हो कैसे, तो चलो बताता हूँ। बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो चलो बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, ये अंडा, इस अंडा को मैंने नहीं फटा पाया, तो चलो बताता हूँ। तो गाइस देखो, इस तरीके से फटाएंगे तो थोड़ा ताकत लगाने से अंडा फटेगा, नहीं तो नहीं फटेगा, ठीक है। और इस तरीके से फटाएंगे तो अंडा आसानी से फट जाएगा। तो चलो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये है अंडा, इस तरीके से फटाएंगे तो अंडा आसानी से टूट जाएगा। तो गाइस देखो, आसानी से टूट गया अंडा। तो गाइस इस तरीके से फटाएंगे तो थोड़ा ताकत लगाने से अंडा फटेगा, नहीं तो नहीं फटेगा। तो गाइस देख सकते हो मैंने कितना ताकत लगाया, लेकिन अंडा नहीं फट रहा है, देखो। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया है कि इस अंडा के ऊपर में देखेंगे कितना वजन सह पाता है, मतलब कितना वजन सहने के बाद इस अंडा टूटेगा, देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसका ऊपर वजन रखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, मैंने इस दोनों टेप ले आया, ये है कलर वाला टेप, ये सेलो टेप, ठीक है। इस टेप के ऊपर पे अंडा को रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अंडा के ऊपर सेलो टेप के रख देंगे, ईट रखेंगे, ठीक है, उसका ऊपर। तो गाइस देख सकते हो, ये एक ईट का टुकड़ा है, इस टुकड़ा के ऊपर अभी अंडा के ऊपर रखेंगे, ठीक है, देखेंगे अंडा टूटेगा कि नहीं, ठीक है। तो गाइस देखो, अंडा नहीं टूटा है, अभी भी ठीक है, देखो अंडा। तो गाइस देखो, और एक बड़ा ईट ले आया है, उसके ऊपर रखते हैं, टूटेगा ही नहीं, देखेंगे, ठीक है। तो गाइस अंडा जो है नहीं टूट रहा है, अभी इसका ऊपर और एक ईट ऊपर रख देते हैं, ठीक है, देखो और एक ईट है। तो गाइस देख सकते हो, दोनों ईट मैंने रख दिया, लेकिन अंडा नहीं टूटा है, अभी इसका ऊपर और एक ईट रख देते हैं, देखेंगे अंडा टूटेगा कि नहीं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, दोनों ईट, अरे कहना क्या चाहते हो, उन्हें रख दिया अंडा के ऊपर, लेकिन तीनों ईट, मतलब तीनों ईट रख दिया, लेकिन अंडा नहीं टूटा है, देखो गाइस क्या कम, इसका ऊपर बाय बाय टाटा गुड बाय गया। गाइस देख सकते हो, तीन ईट अंडे के ऊपर, तीन ईट रखने के बाद जो हमारा अंडा है टूट गया है, देखो। तो गाइस मैंने सोचा नहीं था कि अंडा के ऊपर तीनों ईट रखने के बाद अंडा टूटेगा, कमाल है गाइस। तो गाइस आपके हिसाब से एक ईट कितना केजी होगा? तो गाइस मेरे हिसाब से तो एक ईट 1 केजी तो जरूर होगा। तो सोचो गाइस, 2 केजी रखने के बाद अंडा नहीं टूटा, 3 केजी, मतलब 3 केजी रखने के बाद अंडा टूट गया, क्या कमाल है। तो गाइस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।